नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश के बैनर तले जिले के एनपीएस धावी कर्मचारियों ने रैली निकाली, साथ ही अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष रणवीर सिंह परिहार ने बताया कि नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस धावी समस्त शिक्षक कर्मचारी अधिकारी अर्ध सैनिक बलों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त उपरांत सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन यापन के अनुकूल नहीं है। शिक्षक कर्मचारी अधिकारी अर्ध सैनिक बलों की सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा नहीं है और इसे बंद किया जाए। मुख्यतः ये है कि जो एनपीएस है इसको पूर्णतः बंद किया जाए, क्योंकि इससे जो शिक्षक साथी या कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनको किसी को 1,000 किसी को 2,000 रुपए मिल रहे हैं, इससे उनका जीवन यापन अच्छे से नहीं हो पा रहा है और बहुत से साथी हमारे मजदूरी और अन्य काम करने के लिए बाध्य हुए हैं। पुरानी पेंशन हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए, यही आह्वान हमारे राष्ट्रीय और प्रांतीय अध्यक्ष ने किया है कि हमें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए, ना हमें यूपीएस चाहिए ना हमें एनपीएस चाहिए, सिर्फ एक ही मांग है, पुरानी पेंशन और पूर्णतः चाहिए हमें। जो सरकार पर पूरे देश से दबाव तो है, तब उनने एनपीएस की जगह यूपीएस को बीच में लाया है कि कर्मचारी थोड़ा सा भ्रमित हो जाएं और शायद आंदोलन ना करें। इसमें हमारे साथ देश के लगभग सभी संगठन साथ शामिल हैं और जो सहयोग कर रहे हैं हमारे बंधु जी और एनएमओपीएस के बैनर के तले, और ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमें ओपीएस नहीं मिल जाती।